रेंज है वो 450 से स्टार्ट होती है। एंड ये देखो जारा, ये ओरिजिनल जारा नहीं है बट ये सब मेरे को नाम का पेंडल बनवाना है अपने नाम का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राजस्थानी गर्ल वंचना एंड वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मुंबई का एक और शॉपिंग मार्केट जिसको हम कोलाबा कोस्टे के नाम से जानते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यही कोलाबा कोस्टे है। अभी मैं यहाँ पहुँच गई हूँ सुबह सुबह के टाइम पर क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। अगर आप वीकडेज में आते हो तो ज़्यादा आपको क्राउड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप वीकेंड में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा। एंड यहाँ पहुँचने के लिए आप विकी स्टेशन आ सकते हो या फिर चर्च गेट बाई लोकल ट्रेन, वहाँ से आप डायरेक्ट टैक्सी ले सकते हो या फिर अपनी प्राइवेट टैक्सी करके आ सकते हो जिसका चार्जेस है आपको 50 to 60 रुपीज़ लगेंगे। और ये जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे अगर टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत ही फेमस मार्केट है। तो चलिए हम भी एक्सप्लोर करके आते हैं कोलाबा कोस्टे मार्केट। ये मार्केट ज्वेलरी के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ पे आपको इयरिंग्स वगैरह मिल जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 100 रुपीज़ से लेकर 350 तक। एंड बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना एंड अपनी बार्गेनिंग स्किल है उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके जाना यहाँ पे। यहाँ पे आपको चोकर वगैरह ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह मिल जाएगी जो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। साथ में आप यहाँ पे होम डेकोर का आइटम है वो भी आप परचेज कर सकते हैं। लाइक मेरे को तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें पसंद आ रही थी बट मेरे को कुछ यूजफुल नहीं थी इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेके आई होम डेकोर का आइटम। साथ में यहाँ पे आप मुंबई का ये फेमस ऑटो भी लेके जा सकते हो शॉपिंग के लिए। इधर ये कैंडल स्टैंड मेरे को बहुत पसंद आया बट यार मेरी बालकनी में ना ये यूजफुल नहीं था इसलिए मैं नहीं लेके आई, बट अगर किसी को बाई करना है तो ये काफी क्वालिटी अच्छी थी इसकी। एंड अगर आपको अपने नाम का पेंडल बनवाना है या फिर ब्रेसलेट बनवाना है या फिर किसी को गिफ्ट करना है तो डेफिनेटली आप इस शॉप पे विजिट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे आपको रिंग के भी काफी ऑप्शन मिल जाएंगे 100 रुपीज सभी या फिर सबका अलग अलग प्राइस है? यहाँ पे काफी बड़ी लेन है तो मैं ये बोलूंगी पूरा मार्केट पहले आराम से आप सर्च करना, जो भी आपको प्राइस रीजनेबल लगे आप वहां से बाई कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हो सुंदर सुंदर यहाँ पे कपड़े देखने को मिलेंगे। भैया क्या प्राइस है इनकी? 350 स्टार्टिंग रेंज है। ये सबकी अलग अलग है कि सेम है? ओके स्टार्टिंग रेंज है 350 राइट। और ये कितने का है? सेम 350। आप लोग देख रहे हो कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पे ड्रेसेस मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको काफी अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, आपको हर एक ब्रांड मिल जाएगी लाइक जारा H&M फॉरएवर सब ब्रांड के कपड़े मिल जाएंगे। बट मैं आपको एक ही बात बोलूंगी बार्गेनिंग करना बिल्कुल मत भूलना। ये वाली ड्रेस तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैं लेके आ गई एंड इसका मुझे प्राइस 650 बोला था जो कि मैं 350 में लेके आई हूँ लास्ट में। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडबैग मिल जाएंगे एंड यस इनकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। एंड इस पर्स की प्राइस थी वो 350 थी। एंड इधर आपको फुटवियर भी मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी क्वालिटी थी एंड एक रीजनेबल प्राइस थी इन सबकी। एंड मैं आप लोगों को ये बोलूंगी आपको मॉर्निंग के टाइम में विजिट करना चाहिए जो कि एक आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीजें मिल जाएगी। साथ में आपको अगर पान खाना पसंद है तो डेफिनेटली आप शॉप नंबर 85 पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप पान खा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी पान के ऑप्शन मिल जाएंगे बट मैंने यहाँ पे ट्राई किया था बनारसी पान जिसकी प्राइस थी 25 एंड टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा था वो। फ्रेंड्स तो अभी मैं कोलाबा कोस्टे मार्केट से शॉपिंग करके आ गई हूँ अपने घर पे एंड अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं वहां से क्या क्या परचेज करके लेके आई।
तो सबसे पहले जो परचेज किया था वो था मेरा नाम का पेंडल, एंड इसकी मैं ना पहन के आप लोगों के साथ में क्लिप शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग ना वो भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वाला जो पेंडल है ना यार, मैं काफी टाइम से सर्च कर रही थी पर मेरे को कहीं मिला नहीं, लेकिन बट फाइनली मेरे को आज मिल गया। एंड अभी चल रहा है वैलेंटाइन डे वीक, तो आप भी अपने किसी लवर को गिफ्ट कर सकते हैं। एंड लवर नहीं क्यों यार, आप अपने लिए खुद के लिए भी गिफ्ट ला सकते हैं, जैसा कि मैं लेके आई हूँ अपने लिए। एंड मेरे को कोई देना चाहिए तो दे सकता है गिफ्ट, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है ना इसलिए। ओके, जो नेक्स्ट लेके आई वो है ये एंकलेट। ये काफी अच्छी लगती है गर्ल्स पे, एक पाँव में पहनती है तो। एंड इन जितने भी मैं लेके आई हूँ ना आइटम, उनके सब की प्राइस है वो स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये भी मेरे को बहुत ही क्यूट लगी। एंड जो मैं नेक्स्ट लेके आई वो है ये फेस मास्क की चेन। एंड ये यार काफी यूजफुल होती है, लाइक जैसे मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ एंड उसके बाद में क्या बार बार में मास्क को ऐसे पॉकेट वगैरह में डालना, साथ में कहीं गिर जाता है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ना इसलिए ये मैं ना फेस मास्क के लिए चेन लिया। ये मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, लोग देख रहे हो इस टाइप से। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे यूज करके बता देती हूँ कैसी लगेगी, एंड आप मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में देख भी लोगे इसको, मैं यूज करूँगी तब। एंड इनके प्राइसेज है मैं स्क्रीन पे सेव कर रही हूँ। एंड इसके बाद में मैं एक लेके आई हूँ ये वन पीस, हम लोग देख रहे हो इनकी क्लिप्स है, मैं स्क्रीन पे साथ में सेव कर रही हूँ। ये मेरे को बहुत प्यारी लगी, आप देख रहे हो इसका जो लुक है ना बहुत अच्छा आ रहा है। एंड ये जो है कौन सी ब्रांड की, एक सेकेंड देखती हूँ मैं। यस, ये फॉरएवर 21 की है, तो मैं बोलूंगी वहाँ पे इस मार्केट में आपको ब्रांडेड क्लॉथ्स में मिल जाएंगे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, तो यस आप जरूर वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छा मेरे को इस ड्रेस में लगा कि दोनों साइड में पॉकेट है, क्योंकि हम लड़कियाँ ना पता नहीं कहाँ फोन रख के भूल जाती है कहाँ पे क्या, तो पॉकेट रहता ना ठीक है अपने साथ में इसको कैरी कर लेते हैं, तो यस ये मेरे को बेस्ट लगी। एंड यहाँ पे आपको और भी ब्रांड के ना कपड़े मिल जाएंगे, जैसे जारा, H&M सब के आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों की बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो आपको डेफिनेटली इस मार्केट में जाना चाहिए, बहुत फायदा होने वाला है। ओके, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट ड्रेस लेके आई हूँ वो है ये व्हाइट कलर का रिप टॉप। एंड एक दो दिन पहले मैं एक्चुअली पता है ऐसे ऑनलाइन चेकआउट कर रही थी, जो कि काफी कॉस्टली बता रहा, लाइक ओवर प्राइस था उसका, लेकिन आज मेरे को एकदम ही अफोर्डेबल प्राइस में ये मिल गया है। मेरे को काफी पसंद है यार रिप्ड वाले टॉप, आप कैसे भी इसको वियर कर सकते हो, तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा। इसकी लेंथ है वो आप जो क्लिप शेयर कर रहे हो उस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, देन इसके बाद में मैं जो लेके आई हूँ एक कॉटन की है, लाइक एक आप बीच पे पहन सकते हो, बीच ड्रेस बोल सकते हो। ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, कॉटन में है एंड इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है, तो इसकी भी मैं आपको क्लिप शेयर कर रही हूँ। एंड जितने भी जो मैंने प्रोडक्ट वहाँ से परचेज किए उनकी सबके स्क्रीन पे आपको प्राइसेज है वो शेयर कर रही हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की एक्चुअली, क्या हुआ मेरे को कुछ अर्जेंट काम हो गया तो मेरे को वहाँ से आना पड़ा घर पे, अदरवाइज मैं थोड़ा और शॉपिंग करके ले आती जैसे कि हर एक नॉर्मल लड़की करती है, बट आज थोड़ा सा इतना ही किया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अभी हम लोग मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में एक नई कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।